बाबा। हाँ जी, भक्त का अमृत मेला किसको कहा जाता है और भेद का अमृत मेला किसको कहा जाता है? हद का अमृत मेला हद के दिन में है, हद का दिन है 24 घंटे का, जिसमें रात भी होती है और दिन भी होता है। बेहद का अमृत मेला है जब बेहद में ब्रह्मा का दिन की शुरुआत होती है। ब्रह्मा का दिन कौन कौन सा युग है? है सतयुग और त्रेता। सतयुग भी सूर्योदय के बाद है या सूर्योदय के पहले ही सतयुग शुरू हो जाता है? है सूर्योदय के बाद में है। सूर्य उदय होता है उसके पहले ही अमृत मेला होता है। कृष्ण को कहते हैं बाल सूर्य, अर्थात सूर्य का बाल बच्चा है तो उसका बाप भी होगा। वो कौन से युग में होता है? जरूर सतयुग से पहले होता है। तो सतयुग से पहले का वो टाइम जब ज्ञान सूर्य बाप सारे संसार में प्रत्यक्ष होता है। जो देखे जो सुने जो कानों से सुने आवाज को उसकी बुद्धि में बैठ जाए कि हम सबका बाप आया हुआ है, वो बेहद का बाप है तो अमृत बेला भी बेहद का है। लेकिन ये सब उगालते में नहीं रह जाना कि हमें तो बेहद का अमृत बेला करना है तो तब तक बैठे रहें कि जब ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होगा बेहद का बाप सारे संसार में तब हम बाप को बैठे याद कर लेंगे। नहीं, लंबे समय का पुरुषार्थ अंत समय में काम आवेगा। तो ये हद का जो अमृत बेला चल रहा है इसको भी वैल्यू देना है। जो हद में ही फेल हो जाते हैं वो बेहद में भी फेल हो जाएंगे। और मनसा सेवा के लिए बताइए। मनसा सेवा मजबूत करो, एकाग्र करो। मन एकाग्र होगा तो मनसा सेवा होगी। मन चंचल है, मन एकाग्र होता ही नहीं है तो मनसा सेवा होगी नहीं। मनसा सेवा माना मन के संकल्पों की सिद्धि होने लगे। जो संकल्प किया वो सफल हो जाए, सिद्ध हो जाए, उसको कहेंगे मनसा सेवा। और भक्ति मार्ग में माघ मास के अधिष्ठाता विष्णु है और माघ मास, हाँ माघ मास के अधिष्ठाता विष्णु है और सोमवती अमावस्या के अधिष्ठाता शंकर है। दोनों देवताओं के संयोग का नाम ही हरि हरे हुए। तो इसका अर्थ क्या? विष्णु माने हरि और हर माने पापों का हरण करने वाला।
दोनों का अर्थ तो एक ही होता है, एक बाप है और एक बच्चा है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी क्या हैं? बच्चे हैं। तो लास्ट महीने में ही माना षष्ठी के अंत में ही वो बाप और बच्चे बाप दादा साथ साथ संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। पहले कौन होता है प्रत्यक्ष हैं? पहले बाप या पहले बच्चा? पहले बाप। बाप भोर अंधेरी अमावस्या की रात्रि में प्रत्यक्ष होते हैं या पूर्णमासी में प्रत्यक्ष होते हैं? भोर अंधेरी रात्रि में। तो माघ मास अंतिम महीना है, उसकी घोर अंधेरी रात्रि में बाप प्रत्यक्ष होते हैं, बाद में पूर्णमासी में हरि, हरि माने विष्णु, उनकी प्रत्यक्षता का गायन है। और बाबा भक्ति मार्ग में कामधेनु के भक्ति का नाम नंदी ने बताया है। भक्ति मार्ग में कामधेनु के भक्ति का नाम नंदी ने बताया, तो नंदी का मीनिंग क्या होता है? सबको आनंदित करने वाली कामधेनु है बड़ी माँ, और छोटी माँ है नंदिनी, सबको आनंदित कर देगी। बाबा आत्मा रूपी नवैया का खेवैया बाप है, तो नाव को कभी चप्पू या बास की से घेते हैं, तो बेहद में ये चप्पू या बास कौन है? दो चप्पू होते हैं कि चार आठ दस बीस होते हैं? एक ही चप्पू होता है, है? एक ही चप्पू एक होता है, दोनों हाथों से चप्पू लगाते हैं, एक दाएं हाथ का एक बाएं हाथ। ये बाप दादा क्या हैं? ये चप्पू हैं, चप्पू। और बाबा बेसिक वाले को हमने क्लास में आते हैं, एडवांस क्लास में आते हैं, लेकिन ये ज्ञान बताने के बाद में वो बोलते हैं हम ब्रह्मा बाबा को ही बोलते हैं, ये हमारा शिव बाबा है, कितना भी उसको फ्रूट दो मुरली के पायल दो मानते ही नहीं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कोई मेहतर है, स्वीपर है, उससे पूछो तुम्हारा बाप कौन है, तो किसी पंडित का नाम लेगा क्या? अरे किसका नाम लेगा? अपने बाप का ही नाम लेगा ना। इसलिए मुरली में कहा जो जिस धर्म का है वो उसी की बात मानेगा, उसी के पीछे चलेगा, तुम्हारी बात नहीं मानेगा। क्रिश्चियन धर्म के जो होंगे अथवा क्रिश्चियन धर्म में से कन्वर्ट होकर के जो आए होंगे अथवा अगले कल्प में जो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे, उनको कितना भी ज्ञान सुनाओ, कितने भी ज्ञान में होशियार हो जाएं, माया की जो फाइनल परीक्षा होगी उसमें वो क्या होगा? फेल हो जाएंगे, फिर भी क्राइस्ट को अपना लेंगे। इसलिए सेवा के फील्ड में जब हम खड़े हों तो कोई को बाप का परिचय देने के बाद जबरदस्ती निश्चय पत्र नहीं लिखवाना है। ये मुसलमानों का काम है जोर जबरदस्ती करना, जनेऊ उतारो, यज्ञोपवीत उतारो, नहीं तो तलवार से सर धड़ से अलग कर देंगे। ये हमारा काम नहीं है। सहज सहज जिनकी बुद्धि में बैठता है बाप का परिचय, उन्हीं को ज्ञान सुनाना है। और बाबा अंबालिका जी, इसको भीष्म पितामह ने काशी से क्यों उठाया है?
इसको भीष्म पिता माने काशी से क्यों उठाया? हाँ, इसलिए उठाया कि तीन देवियां ही हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, जिनका काशी की ओर जा करके नाम बाला हो जाता है। तारिणी है, सारी दुनिया को पार लगाने वाली है, पुरुष तो सब दुर्योधन दुशासन है, पार नहीं लगा सकते। ये कन्याएं माताएं हैं, जब ज्ञान सुनाती हैं ईश्वर का, ईश्वर से कनेक्ट होकर के, तो सारे संसार को पार लगाती है। भीष्म पितामह तो सन्यासी थे, ये सन्यासी जब निकलेंगे तब तुम गंगाओं की, यमुनाओं की, सरस्वतियों की विजय हो जाएगी, तो कौन उठावेगा इन गंगाओं, यमुनाओं को, सरस्वतियों को कौन उठावेगा? हैं? सन्यासी उठावेंगे, तो संसार में नाम बाला हो जाएगा। और बाबा, कंस का अंतिम संस्कार कृष्ण ने क्यों किया? उसके प्रजा के अंदर तो उसके पिता परिवार के बहुत सारे लोग थे, लेकिन उसका अंतिम संस्कार कृष्ण ने क्यों किया? अंतिम संस्कार वही करने का अधिकारी है जो पार लगाए। अगर अंतिम संस्कार कंस के बाप ने किया होता तो उसका उद्धार संभव था नहीं था। इसलिए बड़े बड़े असुरों का पार लगाने का काम भगवान अपने हाथ में लेते हैं। और गणमाना समूह दो के संगठन को समूह कहते हैं और दो बैलों की जोड़ी भी दिखाते हैं, इसके बावजूद भी शिव मंदिर में एक ही बैल क्यों दिखाते हैं? क्योंकि जो दूसरा बैल है उसमें तो वो स्वयं प्रवेश कर जाते हैं, तो बैल बैल नहीं रहता है, उसकी बैल वृत्ति समाप्त हो जाती है या रह जाती है? समाप्त हो जाती है, वो तो स्वयं ही बाप समान हो जाता है। जानवरों को, बंदरों को बंदर लायक बनाने वाला एक ही शिव बाबा है, बाकी हनुमान तो हमेशा हनुमान ही रहता है, या देवता का रूप धारण कर लेता है, है? हनुमान ही रहता है। दक्ष प्रजापति जो है वो महादेव का तिरस्कार क्यों करते हैं? दक्ष प्रजापति आत्मा है या परमात्मा परमपिता है? आत्माएं सतो प्रधान भी बनती हैं, आत्माएं तमो प्रधान भी बनती हैं। जब प्रजापिता तमो प्रधान बनता है तो गाली देने लग पड़ता है, भगवान को भी गाली देने लग पड़ता है। जब तमो प्रधान बनते हैं तो सब अपन को भगवान समझ के बैठ जाते हैं, तो सारी दुनिया का बीज किस में भरा हुआ है? प्रजापिता में भरा हुआ है। ऐसी दुनिया की कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। लेकिन बाबा, विष्णु को तो वो अपना भगवान मानता है, शिव को शत्रु मानता है। विष्णु संपन्न है, विष्णु बनाने वाला कौन है? तो बनाने वाला जो है बनाता है, बनाने से पहले वो विष्णु है या विष खाने वाला है?
जैसे खाने वाला है, नारायण तो नहीं, नारायण को विष्णु कहा जाता है। नारायण पहले नर है या विष्णु है? पहले नर है, नर जो होते हैं सब विकारी होते हैं। और भक्ति मार्ग में कहते हैं कि तुलसी का दर्शन करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि उसका गुप्त रूप है, वो गुप्त रूप धारण कर लेती है, उसका अगर दर्शन कर लिया, समझ लिया कि असली रूप इसका क्या है अंदरूनी, तो सच्चाई को समझ लिया। वो बाप की रचना है, प्रकृष्ट रचना है, प्रकृति, कति माने रचना, प्रकृति माने प्रकृष्ट रचना। इसलिए कहते हैं संसार में कि भगवान को जानना सहज है, भगवान की रचना को पहचानना कठिन है। विधि उन नारी हृदय गति जानी, ये क्रिया चरित्र को सब कोई नहीं पहचान पाते, बहुत गुप्त रूप है। और दादा भक्ति मार्ग में शुभकाम बेलपत्र चढ़ाते, मगर तोड़ते समय कांटा चुभता है, तो कौन सी आत्मा की मिशन होगी? अरे कांटों के जंगल से ही तो आत्माएं निकलती हैं। जो ब्रह्मा बनता है, जो विष्णु बनता है, जो शंकर बनता है, वो कांटों की दुनिया से निकलता है या कहाँ से निकलता है? तो कांटों की दुनिया वो कांटा है, जहां से जब निकाला जाता है तो कांटे चुभते हैं। बाद में वो आत्माएं शिव के ऊपर अर्पण होती हैं। जब पूरी अर्पण में हो जाती हैं, तो शिव समान बन जाती है, विश्व कल्याणकारी बन जाती है, पूजनीय बन जाती है। उनको त्रिमूर्ति के रूप में दिखाया गया है, तीन पत्तों के रूप में दिखाया है। वो सृष्टि के पहले तीन पत्ते जैसे हैं, जो भगवान पर अर्पण हुए तो दुनिया का सबसे ऊंचे से ऊंचा पद त्रिमूर्ति देवता का पद पा लेते हैं। और भक्ति मार्ग में त्योहारों आदि पर बैलों को कौड़ियों से क्यों सश्रृंगार करते हैं? बैलों को सब बैलों को नहीं, कोई स्पेशल बैल होते हैं जिनको पालने वाले उन पर चारों ओर से ऐसा कपड़ा डालते हैं जिसमें कौड़ियां ही कौड़ियां लगी पड़ी हैं। वो प्रजापिता की निशानी है, जिस पर इतनी कौड़ियां कौड़ियां अर्थात स्त्री चोले अर्पण होते हैं जो दिखाए गए हैं। कामधेनु गौ में कौड़ियां नहीं दिखाई हैं। गौ में कौड़ियां दिखाते हैं? नहीं। काय में दिखाते हैं? बैल पर कौड़ी दिखाते हैं। बाबा मुरली पॉइंट है, जहाँ देवताओं की पूजा होती है वहाँ जाकर तुमको इनोसेंट ओवन करके जाकर पूछना है ये सब क्या करते हैं, तो ये इनोसेंट ओवन माना? इनोसेंट माने बोला बाला, कुछ भी न जानने वाला, अनजान बन के जाओ। और बाबा पति दुनिया में ऊंचते ऊंच प्रजापिता भी पावन नहीं है, ऊंचते ऊंच है, लेकिन ऊंचते ऊंच में नंबरवार ऊंचे है कि एवर ऊंचे है? एवर पवित्र है या नंबरवार पवित्र है? जो और मनुष्य आत्माएं हैं उनके मुकाबले पवित्र स्टेज वाला है। और
भाई मुर्गी पांडे की नेपाल में सबसे जास्ती बौद्ध धर्म के लोग है। धर्म से कनेक्टेड कोई आत्मा है जो धर्मी हिलती है तो भारत से कनेक्टेड जो बौद्ध आत्मा है वो भी हिलने लगती है। तो इसका क्लेरिफिकेशन चाहिए था हमें। नेपाल क्या हुआ? नई दुनिया की पालना करने वाले, नई दुनिया की पालना करने वाले दूसरों का दिल दुखाने वाले होंगे या अहिंसक होंगे? अहिंसक होने चाहिए। तो दुनिया में ऐसा कौन सा धर्म है जो बहुत अहिंसक है? बौद्ध धर्म, इसलिए ऐसा दिखाया। जब फाउंडेशन पड़ता है नई दुनिया का तो भगवान जंगल में जाते हैं, उनका सहारा कौन बनता है? चारों भाइयों में से कौन सहारा बनता है? बौद्ध धर्म की आत्मा लक्ष्मण ही सहारा बनती है, और तो सब बाहुबली हैं। बाबा, कर्ण को परशुराम ने क्यों ऐसा श्राप दिया कि जिसके वजह से उसकी जो भी कला थी वो सब वो भूल गए? और झूठ बोला इस बात से? गुरु से कपट, मित्र से चोरी, कहे हो निर्धन, कहे हो कोड़ी, ऐसे भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, तो उन्होंने कपट किया? उन्होंने सही नहीं बताया, मैं सूत पुत्र हूँ, ब्राह्मण नहीं हूँ, तो धोखा दिया ना। वो तो उनकी करनी से उन्होंने पहचान लिया कि ये तो ब्राह्मण नहीं है, ये कोई क्षत्रिय है। क्षत्रिय के खून में ही इतनी हिम्मत हो सकती है जो इसने इतनी हिम्मत दिखाई है कि कीड़े ने सारी जांग काट डाली और जांग को नहीं हिलने दिया, गुरु की नींद में खलल नहीं पड़ने दिया। इस बात को परशुराम ने पहचान लिया तो उनको क्रोध आ गया। बाबा, ये चूचू का मुरब्बा माना क्या? झूठी बातें, झूठ के ऊपर झूठ बोलते चले जाते हैं। चू चू चूहिया करती है चूहिया। स्कूल में अगर कोई सब्जेक्ट है, स्कूल में अगर संगीत सब्जेक्ट है हमारे स्कूल में, स्कूल में अगर दिया है पढ़ाने है? पढ़ाने के लिए दिया है हमको, तो पढ़ाना चाहिए। तो कमाई है, कमाई का धंधा है, कमाई का धंधा कोई छोड़ना चाहिए? छोड़ने की बात है क्या? अरे पेट को पूर्ति करनी है तो धंधा करना है। गंदे धंधे छोड़ देने, जैसे शराब का धंधा। और बाबा, कन्याओं में ज्यादा ताकत आती है क्योंकि वह उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़ती। हाँ। तो उल्टी सीढ़ी माने क्या? उल्टी सीढ़ी माने विकार में नहीं जाती है, विकार में नहीं गई है। अगर विकार में गई तो माने शादी कर ली, शादी कर ली माने नीचे गिर गई या ऊपर उठी? नीचे गिर गई, उल्टी सीढ़ी चढ़ गई, वो कन्या ही नहीं रही, समाज की नजरों में धूल झोंकने वाली बन गई, वो तो माताओं से भी ज्यादा गई गुजरी हो गई। समाज को दिखाने के लिए कन्या है लेकिन अंदर से पाप भरा हुआ है कि मैंने तो शादी कर ली। ढोल बजीरे को ही शादी की जाती कहा जाता है क्या? हैं? कि विकार में जाने को शादी कहा जाता है? असलियत क्या है? असलियत है विकार में जाना माना शादी। और बाबा, महेश को नील नदी क्यों कहते? महेश को नील लोहित क्यों? क्योंकि उनका गला नीला हो गया ना,
बाबा इंदौर वार्तालाप में बोला है कि बाबा को जो 8 प्रश्न आए हैं वो अभी के नहीं है, पहले के हैं। कारण बताया कि बाबा रात भर मोबाइल में अच्छे अच्छे गाने बनकर सुनते थे और बिंदी को सजनी के रूप में याद करते रहे और सुबह बस 8 पॉइंट निकले। तो उस समय तो बाबा मोबाइल नहीं था ना। किस समय? ये 76 के पहले की बात होगी ना बाबा, क्योंकि 76 के पहले की बात है। माने ब्रह्मा बाबा ही बाबा है और वर्तमान में जो प्रजापिता का पार्ट है वो बाबा नहीं है, ये साबित हो गया। कि कुमारी का दादी ने पूछा कि बाप को किसने किस रूप में याद किया, तो बाबा ने कहा कि सजनी के रूप में याद किया, तो सब हंसने लगे। तो फिर ये किस बाबा की? इसका मतलब एक आत्मा है संसार में, जो आदि से लेकर अंत तक आत्मिक स्टेज में रहने वाली पवित्र आत्मा है और बाकी सब व्यभिचारी बन जाते हैं। वो कौन सी आत्मा है? हैं? सृष्टि का आदि होता है तो आदि में किस रूप में प्रत्यक्ष होती है वो आत्मा? विष्णु रूप में। जो आदि में सो अंत में विष्णु रूप में प्रत्यक्ष होती है। तो दोनों ही आत्माएं पवित्र आत्माएं हैं, उनका आदि मध्य अंत नहीं है, सारी सृष्टि पर अटिक रहने वाली है। तो आत्मिक रूप की बात है कि आत्मिक स्टेज में स्थित रहने वाली जो कोई भी आत्मा है वो उसकी सजनी के रूप में है। मोबाइल की बात आई ना बाबा, इसमें अच्छे अच्छे गाने भरकर सुनते थे। तुमने दो जगह की बात को अलग एक जगह इकट्ठा कर दिया, इसका कोई क्या करे? कुमार का दादी की बात अलग जब उन्होंने पूछा और ये बात जब 8 पॉइंट निकले तब ये वो बात अलग। और बाबा सूर्य ग्रहण के समय को सूर्य क्यों कहते? चंद्र ग्रहण के समय सूतक नहीं होता है, है? चंद्र ग्रहण के समय भी सूतक होता है, सूर्य ग्रहण के समय भी सूतक मानते हैं, लेकिन वास्तव में जो ज्ञानी आत्मा है वो जानती है सूर्य को तो ग्रहण लगता ही नहीं है, सूतक की बात ही नहीं। बाबा कृष्ण का जब एवलम हुआ तब राम की आत्मा जल में थी, हैं? हाँ, मुरली में क्या 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 ये दोबारा दो रहा हूँ? जैसा बात श्री कृष्ण का जलम हुआ तो राम वाली आत्मा जल में थी, राम वाली आत्मा जेल में थी। जो ज्ञानी आत्मा है वो जेल में होगी कि अज्ञानी आत्मा जेल में होगी? है? जेल में कौन होता है? जेल में अज्ञानी आत्मा। हाँ, तो राम वाली आत्मा अज्ञानी है कि ज्ञानी है? अज्ञानी है। 76 के बाद राम वाली आत्मा को ज्ञानी कहेंगे या अज्ञानी कहेंगे? ज्ञानी कहेंगे, वो जेल में कैसे हो सकती? वो तो जेल में भी, जेल में आदमी दुखी होता है या सुखी होता है? दुखी हो जाता है। जहाँ जेल में भी सुख हो, आनंद में रहता हो, उसे जेल कहेंगे या स्वतंत्र कहेंगे? जेल में भी सर्विस करता है। नहीं, जैसे बताया गया है कि 1988 में, 88 नहीं 98, आज और बाबा ऐसे तो 9 रत्न है 8 नहीं है, ऐसे तो 9 रत्न है 8 नहीं, 4 जोड़े हो जाते हैं और एक बीच में डाल देते हैं, तो बीच में डालने वाला 9वां रत्न बनता है कि पहला उनका? पहला, बीच में जिसको डालते हैं वो है पहला हीरा, हीरे को बीच में डालते हैं, बाकी रत्नों को आसपास डालते हैं अंगूठी बनाते समय। और कभी किसी को कोई बीमारी होती है या एक्सीडेंट हो जाता है, है? एक्सीडेंट हो जाता है, बीमारी आती है, तो क्या उसका हिसाब किताब होता है या क्या? क्यों नहीं हिसाब किताब होता है? अचानक कोई हिसाब किताब आ गया,
और उसमें अगर लौकिक जो परिवार है वो अगर ज्यादा सेवा करता है तो उसका क्या राज्य है? लौकिक जो परिवार है वो अगर ज्यादा सेवा करता है उसमें तो उसका क्या रहस्य? उसका भी हिसाब किताब है, सब थोड़ी सेवा करेंगे, जिनका हिसाब किताब होगा वही सेवा करेंगे। और बाबा नवरात्र में जो नौ दिन होते हैं उन हर एक दिन का अपना महत्व होता है, लेकिन जो अष्टमी का आठवां दिन होता है उसकी विशेष उस दिन विशेष देवी की पूजा और मनोकामना सिद्धि का दिन माना जाता है। ऐसे क्यों? अष्टमी का जो मनोकामनाएं सिद्ध करते हैं, मनोकामनाएं मन की जो कामनाएं सिद्ध करते हैं वो कामधेनु से सिद्ध होती हैं। सब मनोकामनाएं किससे सिद्ध होती है? हैं? कामधेनु से सही सिद्ध होती हैं। जगदम्बा है सब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली, और लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। कौन से धन की बात है? ज्ञान धन की बात है। तो कौन श्रेष्ठ है? जगदम्बा श्रेष्ठ है, ये लक्ष्मी श्रेष्ठ है। क्यों? हाँ, वो भगवान की दी हुई चीज देती है, तो जो भगवान की दी हुई चीज देती है वो ही श्रेष्ठ है। और हमारे पास तो थब्बड़ थौबड़ है, वो ही देंगे या भगवान की दी हुई चीज है वो निष्कष्ट है? क्या देना चाहिए? है अपने पास की चीजें देना चाहिए या भगवान की दी हुई चीज दोनों को देना चाहिए, दूसरों को देना चाहिए? भगवान ने श्रेष्ठ दान दिया है, और हमारे पास क्या है? हमारे पास कचरा है या श्रेष्ठ चीज है? कचरा है, सो दे दो, खुश कर दो थोड़े समय के लिए, बाद में तो डूबी जा होने ही वाली है, सब प्रत्यक्ष हो जाएगा संसार में। कौन श्रेष्ठ दाता है और कौन अल्पकाल के लिए जाने वाले हैं? और बाबा मुरली में कहा है कि यह ब्रह्मा सरस्वती तुम्हारे पूर्वज है, और एक तरफ कहते हैं कि यह अष्टदेव तुम्हारे पूर्वज है, पूर्वज माने पूर्व में जन्म लेने वाले, तो ब्रह्मा सरस्वती तो पूर्व में जन्म लेने वाले नहीं है ना, तो फिर पूर्वज कैसे हुए? संगम युग के हिसाब से बोला है, संगम युग में ब्राह्मणों के पूर्वज कौन है? ब्रह्मा सरस्वती ही पूर्वज है। श्रवण कुमार के लिए श्रवण कुमार से पूर्व में जन्म लेने वाले कौन है? उनके माँ बाप जिनको कंधे पे लिए फिरते हैं, कंधे पे लिए फिरना माने प्रवेश होकर के पाठ बजाते हैं। और बाबा साप्ताहिक संगठन जो है सुबह जो रविवार को क्यों, उसका रहस्य क्या है? सबको छुट्टी होती है इसलिए रविवार को उन लेते हैं, दूसरे दिनों में नुकसान हो जाएगा, पैसे कट जाएंगे, टाइम नहीं मिलेगा सबको। और बाबा कोई घरबार छोड़ कफनी पहनते हैं, कफनी माने कौन सा कफन दे आदमी को? कफनी माने कोई छोटा मोटा कपड़ा पहन लेते हैं सन्यासी लोग, बढ़िया बढ़िया कपड़ा नहीं पहनते हैं, साधारण कपड़े पहन ले, लंगोटी भी लगा ले तो भी चलेगा। बाबा ब्रह्मा बाबा वाली जो आत्मा है बाबा की जो 87 में है बाबा, वो गई नहीं माउंट आबू में? हैं? माउंट आबू में गई नहीं ना, माना जिस टाइम पूरी 8-9 कन्याएं निकली। हाँ, कौन सा साल है बाबा? 87 माना पूरा टर्न ही नहीं गई या कोई पूरा एक साल पूरा सीजन मैंने गए ही नहीं? फिर बाबा 87 की वाणी है ना, फिर उन्होंने देखो ध्यान से आगे पीछे 87 की वाणी। हाँ बाबा किताब में देखी बाबा की वाणी मिलती है किताब, उनके डालने से क्या होता है? ओरिजिनल वाणी निकालो कैसेट वाली,
आप सदैव आत्मा को सुखी स्टेज में रखो, दुखी नेगेटिव स्टेज में मत आने दो, यही रास्ता हो गया। आत्मिक स्थिति में सदैव रहेंगे तो सुखी रहेंगे, देवान में आएंगे तो पांच विकार आएंगे, दुखी हो जाएंगे। ये सीधा सीधा रास्ता है सुखधाम में जाने का। ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई, तो क्या ब्राह्मणों ने अपने संकल्पों से अपने लिए सृष्टि नहीं रची? चाहे तो रच सकते हैं। कभी कभी न सोचते हुए भी निगेटिव संकल्प आ जाते। हाँ, अब ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, चाहिए चाहिए की धुन लगी हुई है। तो दुनिया में से अगर चाहिए तो नीचे गिरेंगे, इच्छा मात्रम तो सुख में जाएंगे। कुछ नहीं चाहिए, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो सुखी सुख है। और बाबा मुरली है, ईश्वर से वर्षा लेते हैं, वर्षा लेते लेते कोई चले जाते हैं तो जरूर उनका कोई और पार्ट होगा, जिससे भी जाती कोई कार्य करना है। हाँ? इसका अर्थ ये है कि जो ज्ञान लिया है वो बर्बाद नहीं जाता है। ब्राह्मण जो हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं, अगर शरीर भी छोड़ दें माया से युद्ध करते करते, तो अगले जन्म में उनका वो पुरुषार्थ फिर ऐड हो जाता है और ही तीखे रूप में जन्म लेंगे और कार्य करेंगे। जैसे राम वाली आत्मा रुद्र माला के मन के सबसे जास्ती पतित बनते हैं, क्योंकि राजा पतित होते हैं। फिर कहा है कि जो सबसे जास्ती गुरु करते हैं वो सबसे ज्यादा पापात्मा है, इसमें ब्रह्मा सबसे ज्यादा पापात्मा है। तो ऐसे क्यों बाबा? ऐसे क्यों बाबा? क्योंकि वो तो ब्रह्मा तो ये नहीं है ना बाबा, ब्रह्मा तो रुद्रमाला का मन का नहीं है ना। ये किसने कहा? रुद्रमाला के मन के सबसे ज्यादा नीचे पद पाते हैं, ये कहाँ कहा गया? राजा वही बनते हैं ना, ब्रह्मा राजा बनते हैं, सूर्यवंशी राजा बनते हैं। ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा ने जास्ती गुरु किए इसलिए वो ब्रह्मा ने जास्ती किए गुरु, तो वो ज्यादा पतित हो, क्योंकि बुद्धि नीचे है तो नीचे ही पद पावेंगे, बुद्धि अगर श्रेष्ठ है तो पद भी ऊंचा ही पावेंगे। बुद्धि में इतनी समझदारी है ज्ञान की गहराई को पकड़ने की। जो राजयोग बाप सिखाते हैं वो ज्ञान के राज को समझने की इतनी बुद्धि है। अरे ब्रह्मा में इतनी बुद्धि है या बच्चा बुद्धि है? बच्चा बुद्धि है तो वो कहां से राजा बन जाएगा? सतयुग में तो राजा होना न होना बराबर हो गया, वहां तो सब बुद्धू होते हैं। देवताएं बुद्धू होते हैं कि होशियार होते हैं? वो तो बुद्धू होते हैं, है? क्योंकि बुद्धू को ही ज्यादा सुख होता है, जिनको ज्यादा अकल चलती है वो ज्यादा दुखी रहते हैं। अब ऐसा कहेंगे क्या कि उन्होंने सबसे ज्यादा गुरु किए तो वो प्रजापिता से भी जास्ती पापात्मा कहेंगे उनको? प्रजापिता से जास्ती पापात्मा अंतिम जन्म में। और बाबा गुरु ज्यादा भटकाते हैं, कृष्ण को जन्म देने के बाद में फिर शरीर उनकी आयु 150 साल की होती है तो बाबा? हाँ, जन्म देने वालों की। हाँ कृष्ण जन्म देने वालों की, तो कृष्ण और कृष्ण के बाप के बीच में अगर तौला जाए तो ज्यादा योग बल किस में है? बाप में ज्यादा योग बल है, तो ज्यादा जो योगी होगा उसकी आयु ज्यादा लंबी होगी या कम होगी? ज्यादा लंबी होगी। बाबा जैसे विष्णु का जी लटरी होता है ना, है? जैसे विष्णु का जी लटरी होता है ना, जी लटरी, जैसे विष्णु पॉइंट है बाबा ये, जैसे विष्णु का जी लटरी होता है ना, लटरी क्या? जी माने मन है क्या? पता नहीं बाबा क्या होता है विष्णु का जी क्या होता है? लटरी होता है। हाँ, तो आत्माओं का भी ऐसा ही कहेंगे? अरे तुमने कुछ पढ़ लिया होगा, जाने क्या क्या बोलते हैं लटरी तो उसको ठीक से पढ़ो,
एडिटिंग ठीक नहीं हुई है मुरली की। और एक बात क्लैरिफाई करना था, जो अष्टदेव में जो चार सूर्य चार जो स्थापना करी, तो चार सूर्य जो है जो स्थापना करी और चार पालना करी बताए, चार विनाश करी बताए, जो चार सूर्य पहले स्थापना करी दो तो डिक्लेयर हो गए, एक नंबर और दो नंबर है? एक नंबर और दो नंबर वो तो डिक्लेयर अष्टदेव के अंदर में डिक्लेयर हो गए, वो नई दुनिया की स्थापना करेंगे। हाँ जी, अब तीसरा नंबर जो इस्लाम धर्म से जो बोला है, हाँ उसकी सहयोगिनी शक्ति भी, वो भी शक्ति मतलब तीनों तीन छह हो गए। हाँ क्या, और चौथा जो है बुद्ध धर्म से है बाबा। हाँ बिल्कुल, बौद्ध धर्म से क्यों? हाँ जी, पावरफुल धर्म कौन से है? इस्लाम तो थर्ड पे जाएगा। हाँ इस्लाम थर्ड में है, फोर्थ पे फिर मोदी जाएगा। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, पहला है सूर्यवंश, हाँ। और दूसरा है चंद्रवंश, हाँ। तीसरा इस्लाम। तो पहला जो सूर्यवंश है उसमें तो राम वाली आत्मा, हाँ जी। और उसकी सहयोगनी शक्ति है चंद्रवंशी, विजयमाला से, विजयमाला से, हाँ जी। ऐसे ही सूर्यवंश के बाद चंद्रमा कौन है? चंद्रमा ब्रह्मा है, चंद्रमा ब्रह्मा है। तो जो चंद्रमा ब्रह्मा है उसमें मुखिया कौन है? बीज रूप आत्मा में जो अष्टदेव का पद पाते हैं कौन है? योगिनी माता। तो योगिनी माता का सहयोगी मणका भी तो होगा कोई, वो तो विजयमाला से होगा ना, विजयमाला से होगा, विजयमाला से ही होगा, वही तो चंद्रमा से ही होगा। ये तो स्थापना के अंदर में तीन बोले तो ये दो हो गए, दो ये हो गए, दो उनकी सहयोगी शक्तियाँ हो गई। अच्छा, मतलब ऐसे चार हो गए। हाँ जी, हाँ जी। और फिर ये स्थापनाकारी चार हो गए सर, स्थापनाकारी चार हो गए, हाँ। उनके बाद जो आते हैं दूसरे धर्म के, हाँ जी, वो विनाशकारी हो गए, इस्लामी और बुद्धि के, हाँ वो पालना करेंगे, वो पालना में आएंगे, पालना में आएंगे, स्थापनाकारी पालनाकारी, तो पालना उनके भी दोनों सहयोगी शक्ति वो चार चार हो जाएंगे। हाँ जी, विजयमाला से, हाँ जी। अच्छा फिर बाबा, फिर विनाशकारी जो बोले फिर चार जो है वो तो लास्ट वाले, वो तो सिर्फ विनाश करते हैं, ऐसा बारह का वो। हाँ जी, तो बाबा ये फिर जो प्रजापिता वाली आत्मा जो शुद्धोधन के जो सिद्धार्थ की पिता है, जो शुद्धोधन है राजा देने के लिए जाते हुए शुद्धोधन वाले अष्टरतन में वो आत्मा है, हाँ। और बाद में फिर अष्टदेव में भी वो आत्मा जाती है बुद्धोधन की आत्मा वहाँ राजा देने के लिए। अष्टदेव में परबाबा तो एक ही होगा ना, अलग अलग थोड़े ही है। नहीं, प्रजापिता वाली आत्मा जाती है या वो भी जाती है अष्टदेव? हर धर्म में स्थापना करने के लिए, हर धर्म में राजाई की स्थापना करने के लिए अष्टदेव साथी होते हैं। बाबा वो ऐसा है जैसे वीनो काजी लटकी होता है ना, तो आत्माओं को भी ऐसे कहेंगे। वीनो काजी क्या? विष्णु ने बाबा वो कर्नाटक की मुरली का पॉइंट है कि जैसे वीनो काजी लटरी होता है ना, तो ऐसे आत्माओं का भी है। और कन्नड़ मुरली में कन्नड़ शब्द होते हैं, उनका उल्टा पलटा भाव क्यों करते हो? सही शब्द पढ़ो ना, हिंदी में तो कोई ऐसा है नहीं। और बखर माने विस्तार, एक होता है थोक माल और एक होता है बखर रिटेल। और बाबा सन 76 में जो असली सीता योग अग्नि में प्रवेश कर गई, तो ये कैसे बाबा? क्योंकि वो 76 के पहले भी तो योगी जीवन बिता रही थी ना, है 76 के पहले भी तो योगी जीवन बिता रही थी ना, तो ये कैसे कहेंगे कि योग अग्नि में प्रवेश 76 में हुई? उसने पहचाना कब? कुछ करिश्मा किया तब पहचाना या उससे पहले ही पहचाना? अरे राम वाली आत्मा कोई करिश्मा करती है, धनुष तोड़ती है पुरुषार्थ का, तब पहचानती है या पहले ही पहचान लेती है? आदि बाबा 38 मुरली का पॉइंट है, ब्रह्मा विष्णु शंकर कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, इस समय हम कह सकते हैं कि इसने 84 जन्म पूरे लिए हैं। ब्रह्मा ने बोला है आगे, ब्रह्मा अभी यह अंतिम जन्म है,
इनका पहला जन्म है लक्ष्मी का और अंतिम जन्म है जगदम्बा का। ठीक है, पहला जन्म है लक्ष्मी का क्योंकि ब्रह्मा ही तो प्रवेश करते हैं, है तो वो भी लक्ष्मी बनती है और जगदम्बा भी लक्ष्मी बनती है। अरे लक्ष्मी जब तक मेल न खाए संस्कारों से महालक्ष्मी कैसे कही जाएगी। और बाबा रावण की नगरी में सीता की सुरक्षा करने वाली तीन चोटी वाली त्रिजटा किसे कहेंगे बाबा, वो तो चंद्रवंशी की होंगी ना। तीन चोटी वाली का मतलब है ब्रह्मा को भी मानती है, विष्णु को भी मानती है, शंकर को भी मानती है, तीनों की मान्यता देने वाली है, इसलिए त्रिजटा कहा। जटा ज्ञान की होती है, ब्रह्मा का ज्ञान, विष्णु का ज्ञान, शंकर का ज्ञान, उसकी यादगार में औरतें जो चोटी बनाती है उसमें कितनी जटाएं होती हैं, तीन जटाएं होती हैं और सब सीता की सहयोगिनी है। और बाबा स्थूल में भारत एशिया खंड में है तो ऐसे चैतन्य भारत भी कोई बेहद के खंड में होगा ना। ऐश करने वालों के खंड में वो भी है, ऐश आराम करना खराब बात है क्या? सुख भोगना है या दुख भोगना है? सुख भोगना है, व्यभिचार ही नहीं बनना है। जो विदेश है यूरोप अफ्रीका मिस्र अमेरिका ऑस्ट्रेलिया अरब देश मुस्लिम देश, ये सब विकारी बनते हैं, व्यभिचारी बनते हैं या व्यभिचारी बनते हैं? और एशिया, हाँ एशिया में है भारत, भारत है एशिया में सबसे ऊंच। बाबा सात खंड जो है वो सप्तऋषि, हाँ जी वो स्थूल है खंड और वो चैतन्य खंड है, वो चैतन्य सागर है, वो स्थूल सागर है। और एक मुरली में बाबा ने कहा है स्त्रियों के वाइब्रेशन ठीक नहीं होते। असिस्टेंट है ना, किसके अंडर में चलते हैं? अंडर में चलेंगे तो जिसके अंडर में चलते हैं वो भगवान है क्या? मान लिया है पति परमेश्वर, मानने से थोड़े हो जाते पति, रक्षा करेंगे जब विनाश होगा तब कि छोड़ के भाग जाएंगे, हैं? तब छोड़ के भागेंगे। बाबा चंद्रमा की दो पत्नियां हैं रोहिणी और रेवती हैं, चंद्रमा की दो पत्नियां हैं, दो पत्नियां नहीं 27 पत्नियां हैं। और ब्रह्मा की सोल 2012 से मतलब पृथ्वी की धुरी चेंज होना मतलब ब्रह्मा की सोल का नीचे हो गया, नीचे हो जाएगा 2012 से पृथ्वी की धुरी चेंज होना मतलब ब्रह्मा की सोल का नीचे भी हो जाएंगे। आठ प्रश्न निकले हैं, उन आठ प्रश्नों का समाधान ब्रह्मा की बुद्धि में आ गया कि ब्रह्मा की आत्मा भी टेंशन में है, हैं? कि सिर्फ ब्रह्मा कुमारियां ही टेंशन में है, हैं? तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बीच में श्रेष्ठ आत्मा कौन है? जो श्रेष्ठ है वो ही पहले समझेगा कि दूसरे पहले समझेंगे? श्रेष्ठ है वो पहले सच्चाई को पकड़ेगा। वो जब नीचे बुद्धि बन जाएगी बाबा ब्रह्मा की आत्मा मतलब चिंतन वाली आत्मा का राज करेगा, खालसा का पाठ शुरू हो जाएगा। हाँ जी, तो राम वाली आत्मा का वनवास भी खत्म हो जाएगा तो राम वाली आत्मा कहाँ होगी? राम वाली आत्मा कहाँ होगी? गुप्त ही रहेगी, छुपा रुस्तम। बाबा बाप कहते यह मेरा रथ है, यह लैंड लेडी भी है तो लॉर्ड प्रजापिता भी है। हैं? बाप कहते लैंड लेडी ब्रह्मा हो गई और लैंड लॉर्ड प्रजापिता हो गया।
और बाप से तुम कोरखों का खजाना भी लेते हो। कोरों का खजाना औरों का खजाना किसका है? है अपने यहाँ कौन सा देवता है जो खजाने का मालिक है? कुबेर। और मतलब ये पॉइंट है कि नरसिंह को अमरी लगाते हैं ना, फिर वो आम के पुजारी के काम आता है। है वो आम पुजारियों के काम आता है। जब उत्तरायण होता है तो कितने आम आते हैं, फिर वो सारे बेच देते हैं। सिंध में यह बहुत होता है क्योंकि बाप सिंध में माँ के रूप में आते हैं और मगध में बाप के रूप में आते हैं। है। तो बाबा अमरी या आम का बाप के आने जाने से क्या संबंध? बाप ही तो आम है, आम का फल। पहले कौन मरता है? आमर। कौन मरता है पहले? बाबा जब सागर में एटॉमिक विस्फोट होगा तो उसमें उबाल आएगा, तो ये कौन सा एटॉमिक विस्फोट होगा बाबा? एटम बम ही तो है, है? सबसे बड़े के बड़ा बम है परमात्मा बम, तो सारा सागर हिल जाएगा। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर के कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए, इससे परिवार में ईर्ष्या द्वेष फैलेगा, गंदी बातें हैं। सुधारने का दृष्टिकोण है या भरी सभा में नंगे करने का दृष्टिकोण है? हैं? कोई की पर्सनल गलतियों को सभा में उछालना, इशारा देना, ये उसे सुधारने का तरीका है या गिराने का तरीका है? गिराने का तरीका है। बाबा शिवबाप के संग के रंग में रहने से क्या साकार भी कलातीत बन जाता है? कलातीत कल्पन तक हरी किसे कहा है? कलातीत माने कलाओं से भी परे। कलाओं से भी परे माने 16 कला से भी परे। सूर्यवंशी कलाओं में बंधे हुए होंगे या कलाओं से परे होंगे? सूर्य कलाओं में बंधा हुआ होता है या चंद्रमा कलाओं में बंधा हुआ होता है? चंद्रमा को कलाओं में बांधा जाता है, सूर्य को कलाओं में नहीं बांधा जाता है, वो कलातीत है। कलातीत होने पर भी कल्याणकारी है, सारे कल्प का अंत करने वाला है। और बाबा जल देवता, आकाश देवता, वायु देवता, अग्नि देवता कहते हैं, लेकिन पुरुष होने पर भी है? ये पुरुष होने के पर भी रावण के 10 मुख में इनको स्त्री मुख दिखाई देते हैं, क्या कारण है बाबा इसका? पुरुष होने के बावजूद ये रुद्रमाला के मणकों में से हैं या बाहर से हैं? है ये जो देवताओं के नाम लिए, ये रुद्रमाला में से हैं या बाहर से हैं? विजयमाला से हैं। तो रुद्रमाला पुरुषों की माला है या स्त्रियों की माला है? पुरुषों की माला है। तो स्त्री मुख दिखाया ना बाबा उनका? अरे स्त्री मुख जाने, स्त्री मुख जैसे कार्य करते हैं, प्रकृति कंट्रोल में आ जाते हैं, प्रकृति के सहयोगी बनते हैं, प्रकृति पति के सहयोगी नहीं बनते हैं। अब सीढ़ी का चित्र तो क्रिश्चियन वाली आत्मा रमेश भाई ने बनाया है, तो फिर इस चित्र को बाबा को जब साक्षात्कार हुए उसके बराबर मान्यता क्यों दी गई? तो क्या हुआ, बाबा ने उसको भी पास कर दिया? सत्युग में लेफ्ट हैंड भी काम में आते हैं, तो लेफ्ट हैंड कौन सा काम करेंगे बाबा? विनाश का काम कौन करता है? सत्युग। हाँ हाँ, जो यहाँ विनाश का काम, पुरानी दुनिया के विनाश का काम नहीं करेंगे तो नई दुनिया की प्रत्यक्षता हो जाएगी संसार में, तो उनका भी नंबर लगता है। बाबा त्रिफला के 3 फलों में आंवला हुआ शंकर, तो हरड़ा कौन है? त्रिफला के 3 फलों में आंवला हुआ शंकर, तो हरड़ा और बेहड़ा कौन से देवता होंगे? ये तो तुमने अपनी मनमत निकाली है, ऐसा तो कुछ नहीं है।
कि आंवला जो है, आंवला तो तीसरा फल बताया है, हरण बैड़ा आंवला, उसका तो लास्ट नंबर हो गया। सस्ता सस्ता कौन सा मिलता है? आंवला सस्ता मिल जाता है, हरण बैड़ा तो बहुत कम मिल पाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीन बताया बाबा, इसमें हिरडा किसको कहेंगे और बहेड़ा कौन सा देवता कहेंगे? अरे हर कौन है, है? धर्मराज की सवारी काला भैंसा दिखाते हैं, तो काला भैंसा बेहद की दुनिया में कौन है बाबा? ज्यादा काला कौन बनता है, ज्यादा विकारों में कौन जाता है, ज्यादा बेविचारी कौन बनता है तिरसठ जन्मों में? राम वाली आत्मा तो अंतिम जन्म में जाके बनती है, नीचे गिरती है। अष्टदेव तो अंतिम जन्मों में जाकर के नीचे गिरते हैं, लेकिन तिरसठ जन्मों में ज्यादा से ज्यादा नीचे कौन गिरता है, बेविचारी कौन बनता है? हैं? अरे कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म का भी कोई बीज है कि नहीं है? नहीं है, हैं? है? एक होता है स्थापनाकारी, एक होता है पालनाकारी, एक होता है विनाशकारी, तो ज्यादा विचारी कौन बनता होगा? हैं? विनाशकारी बनता होगा। तीन ही बीज है, विनाशकारी, नष्टदेव, उनमें से जो इस्लाम धर्म का बीज है वो ही उसका वाहन है।